दोस्तों आज इस नए वीडियो में मैं आपको ओप्पो रेनो 12 प्रो 5G फ़ोन का रिव्यू करूंगा और आपको इस फ़ोन का सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और इस फ़ोन का प्राइस 35,000 से लेकर के 45,000 रुपए के बीच देखने को मिलने वाला है। तो चलो इस फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन बताता हूं आपको। ये है आपके सामने इस फ़ोन का सारा डिटेल्स, ओप्पो रेनो 12 प्रो फुल स्पेक्स। तो जनरल में आप लोग देख सकते हो डुअल सिम टाइप देखने को मिल रहा है, नैनो सिम टाइप स्मार्टफोन है और ये फ़ोन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। इस फोन के डिज़ाइन की बात करें तो आप लोग देख सकते हो इस फोन का डिज़ाइन और इस फोन का वजन आपको 183 ग्राम देखने को मिलने वाला है। इसके बाद इस फोन का डिस्प्ले फीचर देख सकते हो, आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले में आपको 1 बिलियन कलर देखने को मिल जाएंगे और डिस्प्ले साइज 6.6 इंच की देखने को मिल जाएगी। 394 PPI है एंड गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप लोग सारे फीचर देख सकते हो। मेमोरी एंड स्टोरेज फीचर में आप लोग देख सकते हो 12 GB रैम एंड 256 GB स्टोरेज वगैरह दे रखा है एंड यहां पर आप लोगों को SD कार्ड लगाने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं है। आते हैं कनेक्टिविटी फीचर में, तो आप लोगों को कनेक्टिविटी फीचर के सारे फीचर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 3G 4G 5G 5G जो भी हो नेटवर्क टाइप, यहाँ पर आप लोगों को मेन फोकस करना है ब्लूटूथ वाईफाई के बारे में देखना है। ओके, NFC वगैरह IR ब्लास्टर सब कुछ देखने को मिल रहा है। इसके बाद इस फोन के एक्स्ट्रा फीचर की बात करते हैं। भाई इसी बात पर वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा क्योंकि भाई इतना शानदार से लिखाया मैं आपको तैयार किया हूँ भाई, तो इसके लिए लाइक कर देना। आप पलक झपकते देखते ही समझ जाओगे कि भाई क्या मिल रहा है इस फोन के अंदर। आपको डिस्प्ले में ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, फेस अनलॉक सेंसर वगैरह एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ हेडफोन जैक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो अच्छी बात नहीं है। तो भाई महंगे फ़ोन में देता ही कौन है हेडफोन जैक, नहीं मिलने वाला इतने महंगे फ़ोन में। इसके बाद इस फोन के कैमरा फीचर की बात करें तो आपको बैक साइड में 3 लेंस देखने को मिल जाएंगे, 50MP का मेन कैमरा एंड 50MP का टेलीफोटो कैमरा और लास्ट कैमरा 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड कैमरा सेंसर आप लोग देख सकते हो सोनी का IMX890 है और यहाँ पर फीचर देख सकते हो HDR वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है एंड वीडियो रिकॉर्डिंग रिजोल्यूशन देख सकते हो 4K में 60 FPS में एंड फ्लैश वगैरह सब कुछ है। और यहाँ पर फ्रंट कैमरा आप लोग देख सकते हो 50MP का वाइड एंगल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग 4K 60 FPS UHD वगैरह में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके बाद टेक्निकल देखें तो भाई साहब ये फोन आपको एंड्रॉइड 14 में देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, वो है जावा। ब्रांड मीडियाटेक का है और प्रोसेसर आपको मीडियाटेक का डायमेंशन 7300 देखने को मिल जाएगा। मल्टीमीडिया फीचर में आप लोग देख सकते हो सारे फीचर देखने को मिल रहे हैं, बट एक चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है, वो है FM रेडियो। इसके बाद बैटरी फीचर की बात करें तो इस फोन में आपको 5000mAh की बैटरी और 80W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है, प्लस आपको रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगी। आहा, 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 आहा,